bitch was shitting bricks. So she switched off my phone. But I'm gonna fuck this bitch. She's the one who's controlled my life. 16 साल की लड़की की चूत में इसने काला जादू करके उससे धंधा कराया, ओके? सारा माल, सारी ऐश, सारी पब्लिसिटी, सारा काम खा गई ये लौड़ी और इसका लौड़ा चेचक लंड ने हर जगह से मुझे बैन करवाया, ओके? एंड यू नो व्हेन आई रियलाइज्ड ऑल दिस यस्टरडे, सो फकिंग एंग्री, आई वॉज जस्ट क्राइंग दैट हाउ दीज बास्टर्ड्स हैव यूज्ड मी इनसाइड आउट फॉर 27 लॉन्ग ईयर्स. और जब मैंने वो वॉइस नोट छोड़ा अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे मुझे सडनली एक ब्रेन वेव आया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए. पुणे से मैंने दिल्ली के टिकट कटाए, 15,000 आई पेड फॉर माई टिकट्स, ओके? I reached Delhi, then suddenly I got this brain wave that I should go to Jaipur. And at that time, it was some peak season time, you weren't getting tickets for Jaipur. So I had to pay 15,000 to get the tickets for Jaipur from Delhi, which is otherwise 5,000 or something, you know, it's not much because both the cities are close. But that time there was no ticket available. So I spent 30,000 just getting to Jaipur. Then I get a call from a pandit कि आप झुंझुना आ जाइए, यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिससे आप आपका सारा काला जादू उतर जाएगा. मैंने कहा ठीक है. I hired a cab for like 5,000 one way, 5,000 coming back, 10,000 again gone there, that's 40,000. And I reached Jhunjhuna. There I was checked into a servant's quarter. You know, servant's quarter, like not even your driver you would put up in that room, 500 rupees per night. And I was lying there. And suddenly I could feel jinns and all these, you know, eerie things entering my aura. And later I came to know, Salman was shooting there for Prem Ratan Dhan Payo. So ye pura setting, mujhe Jhunjhuna tak chutiya bana bana ke bhejne ka, kisne kiya? पूनम सिन्हा ने, उसने मेरे को सलमान खान को परोसा 20 साल, और ना उसने मुझे एक्नॉलेज किया, ना उसने मुझे कोई काम दिया, उल्टा उसने मुझे हर जगह से बैन किया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा अपने भौसड़िया का भौसड़ा बेचना चाहता था मुझे चुदवा के पूनम सोनाक्षी का सारे मजे और एक्नॉलेजमेंट और दुनिया की सैर और मेरी मूवीज और सब कुछ देना चाहती थी इसलिए. और जब इस रंडे का भोसड़ा सजने वाला था कि म्यूजिक वीडियो निकल रहा है हनी सिंह के साथ और सलमान का शो डेब्यू करने वाला था, बिग बॉस की डेब्यू नाइट जो मैंने अभी तक नहीं देखी है क्योंकि मैं इतनी परेशान हूं पिछले 2-3 दिनों से, मैं सो ही नहीं हूं रात को. तो इस कुतिया ने मेरा मोबाइल फोन उठवा लिया मेरे घर से, जो 75,000 रुपीस का था. मेरे भाई ने मेरे को दिवाली गिफ्ट दिया था 2 साल पहले, उसमें मेरे सारे वीडियोस, मेरी सारी फोटोज, मेरे सिम कार्ड सब उठवा लिया इसने. क्यों? क्योंकि हमेशा तुम्हें सोनाक्षी सिन्हा से दब के रहना है, सोनाक्षी सिन्हा से नीचे रहना है. क्यों लाड़ी साली राड, बोल ना कुतिया, तू मेरी भीख पे पलती है, तू जो है मेरी मेहनत मेरी वजह से है. उसके बाद 27 साल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पोजीशन, मेरी मेन लीड मूवी पोजीशन खाने के बाद, मेरे बाप को मारने के बाद, मेरी बॉम्बे की प्रॉपर्टी हड़पने के बाद, मेरे जूते घिसवा घिसवा के अपनी गांड एसी रूम में पसार के सारे कॉन्टैक्ट खा जाने के बाद, तेरी गांड में इतना दम है कि तू मेरे ही घर से मेरा फोन जो मेरे भाई का गिफ्ट था उठवाएगी साली रंडी. तेरी गांड में इतना दम आ गया है तेरी भोसड़िया की मूत बेचने के लिए, तू मुझे फिर से बलि का बकरा बनाएगी 27 साल के
बाद में बाला लाड़ी राड 16 साल की लड़की का धंधा करती है साली कुतिया मादर चौद, तेरा भोसड़ा फाड़ के उसमें 10 किलो सिंदूर भर के जलता हुआ आयन रॉड 10 घंटे तक अंदर बाहर किया नहीं, आयन हीटेड आयन रॉड से तुझे चुदवाया नहीं साली 80 साल की पाद। तो मेरा नाम पूजा मिश्रा नहीं, बागा बीच में जो 2 भैंसे हॉकी स्टिक के साथ मेरे ऊपर चढ़ी थी वो पूनम सेना ने कराया था, पूनम सेना ने कराया था, और शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा भी उनमें पूरे पूरे भागीदार थे। अंडरस्टैंड, मेरे साथ हो के भी वो इंसान जो मेरी दुनिया 1 सेकंड में बदल सकता था बोल नहीं पाया कि पूजा मेरे साथ है, क्यों? तेरी वजह से तेरा धंधा बंद हो जाता साली, लौड़ी राण दाऊद बनेगी, मेरी बहन बनेगी, भोसड़ा अपना बेचा है मुझे चुदवा चुदवा के, तो ये फैमिली रिलेशन का खेल खेलेगी साली रंडी। कमाठीपुरा में भी आपको बेहोशी के हालत में नहीं, होशो हवास में धंधा कराया जाता है, हर चौद के पैसे मिलते हैं, किसी रंडे ने अपने लंड के कीड़े आपके भोसड़े में भरे उसके उसे पैसे देने पड़ते हैं, सारी कॉम्पनसेशन, सारा सेक्सुअल टॉर्चर जो मेरे साथ हुआ है एस रंडी के वजह से हुआ है, क्योंकि ये बीच में मैडम बन के बैठी हुई थी सारा माल अपने भोसड़े में भरने के लिए, उन लोगों से पैसा और फेवर और अपनी कुतिया का भोसड़ा बिछवाने के लिए जो मुझे कॉम्पनसेशन ओ करते हैं। साली राण, तुझे तो मैं फाड़ के फेंक दूंगी कुतिया, ओनली अस, जस्ट अस, तू और तेरा चेचक लंड और तेरी भोसड़िया, जो भी मर्द मुझे पसंद करता था उसे जाके बोलती थी नहीं ये सलमान खान की रखेल है, नहीं ये मेरे बाप की रखेल है, इसे मत देखो, मेरा भोसड़ा चादा, क्या लाड़ी रहा, एक आदमी मेरे पास नहीं आने दिया जो मेरे को थोड़ी सी खुशी दे सकता था, क्या लाड़ी रहा, हे जड़ी अपना भोसड़ा चदवाने के लिए इतने बेहाल है साली रांडो, नंगा लड़ जाएगी, रैबिड कुत्तों से चुदवाएगी, बस पूजा मिश्रा को मत देखना, मेरा भोसड़ा हर जगह छापना, क्यों रोड़ी रान, सच है कि नहीं, बाल बाल, साली रंडी मादर चोद, तुझे अगले 27 साल घर पे नहीं बैठा दिया तो तू देख लेना साली रंडी कुतिया मादर चोद, तूने ही सब कुछ मेरे पास होने के बजाय कुछ नहीं होने दिया, इतने डंडे तेरे भोसड़े में घुसाऊंगी ना साली कुतिया, फिर उसमें तू लंड ले नहीं पाएगी साली राण, जितना तेरी वजह से मैं अकेले रही हूं, जितना तेरी वजह से मेरे को अपनी चूत आंसू बा बहा के रगड़नी पड़ी है, when I could be having a rollicking time with men of my stature, you fucking रंडे, तुझे नंगा करके तेरे भोसड़े में डंडे नहीं घुसवाए ना तो मैं पूजा मिश्रा नहीं अगले 27 साल तुझे घर पे नहीं बैठा दिया ना, फर्नीचर जो मुझे बनाया 27 साल तेरे लौड़े बाप और माँ ने, और चुदवा चुदवा के गाड़ घिसवा घिसवा के करोड़ों छापे और तेरा भोसड़ा सजाया और छापा, उसके लिए ऐसा दंड दूंगी ना तेरे रंडे परिवार को, कहीं बाहर निकलोगे पूरी दुनिया तुम पे धोखेगे कि उस आदमी की बेटी के साथ इन लोगों ने ये सब किया है जिसने इनके सामने करोड़ों बिखेर दिए, करोड़ों खड़े कर दिए, साले रंडो मादर चोद, स्टेज पे खड़ा नहीं होने देता था शत्रुघ्न, इसके लंड पे सांप लोटते थे, बिकिनी शूट करती हूँ इसकी लंड मुरझा के गिर जाती है कि ये मेरी बेटी से ज्यादा हॉट ना लगे, और इसकी रंडी ये तो 16 साल से मेरे को बेहोशी की हालत में चुदवा रही है साली राण, और
उन लोगों से अपनी बेटी के लिए स्पॉन्सरशिप और फेवर्स ले रही है साली कुतिया, इतने जूते मारूंगी ना तेरे पूरे परिवार को, तेरा घर जला दूंगी, तेरी भोसड़िया की मूत, तेरी गाण में लंडी और लंडा, शत्रुघ्न और पूनम गाण में इतनी तलब है, इतनी लालच है 27 साल के बाद भी कि मेरा मोबाइल उठवा लिया जिस दिन इसका भोसड़ा सजने वाला था, चदने के लिए म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला था, कि हमारे अगेंस्ट कुछ बोले ना, हमारी धंधेबाजी जो इसको बेहोशी की हालत में रंडी बाजी कराई है 16 साल की उम्र से, उसका पत्ता खोले ना, वरना पूरी दुनिया हम पे हगेगी। वो तो वैसे भी हगेगी साली राण, कब तक मुझे चुप करा लेगी, कब तक मेरे को मेरे अकाउंट में लॉग इन नहीं करने देगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड पूजा मिश्रा, मैं पासवर्ड भूल चुकी हूँ, तो मैं जब बोल रही हूँ फॉरगॉटन पासवर्ड, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है दैट यू कैन आस्क देम टू SMS यू द लिंक विच कैन गेट यू बैक इन टू द अकाउंट। तो जब मैं बोलती हूँ कि SMS भेजो, तो उसमें आता है SMS सेंड टू योर नंबर, पर जब मैं SMS में जाके चेक करती हूँ SMS आ ही नहीं रहा है। कल जब मैंने वो सिम डिस्कनेक्ट कराया जो इस भोसड़िया ने अपनी भोसड़े में घुसा लिया, इस लालच में कि इसकी कुतिया का भोसड़ा 27 साल फर्नीचर बन के घर पे ना बैठे जैसे इसने मुझे बैठाया है, उस लालच में इस रंडी ने मेरा फोन उठा लिया मेरे घर से कि हमेशा तुझे सनाक्षी के जूते के नीचे दबके रहना है। क्या साली राण, यही था ना रीजन साली भोसड़िया, जो तूने 16 साल की लड़की से धंधा कराया और सारा माल अपने भोसड़े में भरा, उसका सच नहीं बाहर आए, उसने फोन उठवाया ना साली राण। तो 27 साल इन लोग का टॉर्चर सहने के बाद अगर इनके गाण में इतना दम आएगा कि मेरा मोबाइल उठवाएंगे, तो इनका भोसड़ा और लंड फाड़ के फेंक दूंगी मैं। वहां पर गई पुलिस स्टेशन, तो वहां शत्रुघ्न सिन्हा का रंडी, असली नंगा रंडी नाच देखा विराज नायक बन के, कि मुझे बोला कि मेरी बेटी के अगेंस्ट बोलेगी तो तुझे मारूंगा, ये सब सलमान खान करा रहा है, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, जो किसी के कब्र पे खड़ी है वो रंडी अब इस इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी साले राम, इस इंडस्ट्री में उसे काम करने जा करना है कर ले लौड़ा लौड़ी, फोन उठवा ले, पुलिस कंप्लेंट ना लिखने दे, मेरी गाण में घुसी रहे, मेरी हर पाद और मेरी हर ढकार सुन फोन से साली राण, मेरे को जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी, समझी भसड़िया। 27 साल मेरा काम खाने के बाद, 27 साल मेरी नाबालिग प्रापाक ब्राह्मण चूत चुदवाने के बाद, तेरी गाण में इतना दम है कि मेरा मोबाइल फोन उठवाएगी, चुदनी साली राण, तू और तेरा चेचक लंड, इतनी गाण में दम है भोसड़ा भोसड़ी के, तो रोज नंगा करूंगी, सुबह दोपहर शाम जब तक जिंदा हूं नंगा करूंगी तुम लोगों को। फिर मैं कल गई सिक्योरिटी कैमरा सेटअप लेने के लिए, अमेजोन से 1800 का कैमरा मिलता है जो आप लगा सकते हैं, 360 डिग्रीज घूमता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, उससे आप देख सकते हैं आपके घर में क्या चल रहा है। तो मैं वो कैमरा नहीं लेना चाहती क्योंकि ये लोग मेरा फ़ोन हैक करके फिर भी मेरे घर में घुस सकते हैं, क्योंकि चोरी की तो अब आदत सी पड़ गई है इन बेकारियों को, जो मेरी बैग की वजह से जो है आज है। तो मैं गई सिक्योरिटी सेटअप लेने, जिसका कोट है 15,000, मैंने दो जगह से एस्टिमेट लिया, संडे का दिन था ये, मैं उसी दिन गई थी जब इन लोगों ने मेरे घर में घुस के तोड़ा फोड़ी की थी, तो दो जगह से मैंने एस्टिमेट लिया 15,000, एक जगह बोला, एक जगह 14,000 बोला, उसने बोला मैं कल आके लगा दूंगा। जब मैंने मंडे को फ़ोन किया तो बोलता है मैं 3 दिन के लिए बिजी हूँ। फिर मैं करीबन 6 सिक्योरिटी कैमरा सेटअप एजेंसीज के पास गई हूँ, अभी ने पता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ सिक्योरिटी कैमरा लगाने का, तो जहाँ मेरे को 1800 में बात बन सकती थी, मैं 15,000 स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पर ये जानबूझ के कुतिया 30,000 35,000 के कोट्स भिजवा रही है उन एजेंसी से जो आके रेडी हैं तैयार कैमरा लगाने के लिए, जिन्होंने 15,000 का कोट दिया वो आने के लिए नहीं तैयार है,
फोन ही नहीं उठा रहे। और फिर इस कुतिया ने 1.5 लाख मेरी वॉलेट से चुरवाया है, ये रंडा रमेश भेज के, जिसके सामने मैंने वॉलेट रखी थी, इसने मेरा जिप खोला और पैसे उतार के अपनी लैंड पे लपेट के यहाँ से कट लिया। साला राण, साली कुतिया, तेरा भोसड़ा ऐसा कुचलूंगी ना, क्योंकि पैसे के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। अखिलेश यादव से बोल के तेरे भोसड़े पे लात मरवा के समाजवादी पार्टी से निकलवाया नहीं तो मैं पूजा मिश्रा नहीं, जिसने 27 साल तेरी रंडी बाजी सही है, हर सेकंड तेरी गाण में उंगली सही है, साली भोसड़ी राण। सब कुछ होके भी मेरे पास अगर कुछ नहीं है वो तुम रंडों की वजह से है, चेचक लंड, ये सिंदूरनी भोसड़िया और इसकी बिलबिलाती लंड के लिए बेहाल कुतिया, यही सच है। ओके, और जो भी सलमान ने मेरे साथ अत्याचार किया उसे भी मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे साथ जो किया बहुत गलत किया, एंड ही नोज इट, एंड ही विल आल्सो हैव टू पे फॉर इट। आई एम नॉट गोना पुट हिज ब्लेम ऑन दीज रंडास हु बीन मिल्किंग इट फॉर मोर वर्क, मोर मनी एंड टू कीप द डॉटर अहेड। भोसड़े और लंड में इतनी आग है एम्बिशन की कि मेरे घर में घुस के मेरा मोबाइल उठवा लिया तूने साली राण, तेरी गाण में इतनी एम्बिशन किया गया साली कुतिया। 27 साल खाने के बाद तेरा चेचक लंडा, तेरी साली बिलबिलाती कुतिया मेरे को हॉकी स्टिक से मरवाएगी, मेरा फ़ोन उठवाएगी मेरे घर से, 1.5 लाख मेरी वॉलेट से उठवाएगी, क्योंकि तेरे भोसड़े में और तेरे चेचक लंड में लकवा पड़ रहा है कि अब ये सिक्योरिटी कैमरा लगवा लेगी तो हम यहाँ पर अपना बसेरा नहीं बसा पाएंगे। बाल ना लड़ी राण, बाल ना लंडा, जिसकी लंड बची नहीं इसे इतना बुरा कुचला है मैंने, बाल ना लंड के लिए बेहाल बिलबिलाती डेस्परेट भोसड़ी वाली कुतिया जो रैबिट डॉग से भी चुदने के लिए तैयार है। बाल बाल, या आवाज गाण में सटक गई तीनों की, साली भिकारी रंडी, साली राण, आज जो तू है, जो भी तू है, मेरी भीख की बदौलत है, ये बात अपने भोसड़े में टैटू करवा ले। अब जस्ट रीड व्हाट यू ऑल हैव रिटन, आई एम गोना गो व्हाट आई नीड्स टू डू। They don't deserve your time. You think I don't know that? I should not even be taking their name. These people are fucking my finances. They're not letting me get married. They're not letting me live my life. I hate them. Why should I even acknowledge these beggars who are always ready with a begging bowl hovering around me, whether it is listening through my phone, whether it's stalking me, whether it's planting these servants who come and sexually harass me or steal 1.5 lakh rupees? Fucking Randy. Okay, I'm gonna go, y'all are talking shit, y'all can fuck off. पूनम ने मोबाइल उठवाया, सलमान ने मोबाइल उठवाया, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, यू ऑल आर माई सर्वेंट्स, यू ऑल आर व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ मी। सलमान खान ने मेरा सिम कार्ड हैक करके मेरी सारी पिक्चरें चुराई और अपनी चुदनियों को दी। सलमान खान ने मेरे साथ सेक्सुअली
रिलेशनशिप रखा 20 साल से, पर मुझे कभी एक्नॉलेज तक नहीं किया क्योंकि वो पूनम और सोनाक्षा का भोसड़ा शांत रखना चाहता था। तो वो भी कोई कम नहीं है, उसे भी खूंचूंगी मैं। यहाँ मेरा कोई नहीं है। यू थिंक आई डोंट नो दैट?